हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के टॉप 10 सवाल जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए, अपने दोस्तों को बताइएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें DI चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन मैंने कराए थे। बहुत से बच्चों ने कमेंट करके बोला कि 1-2 क्वेश्चन और कराइए जब तक हमारा एग्जाम होता है, तो मैं इस वीडियो में ये सबसे पहला क्वेश्चन DI से ही कराता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है 5 कंपनी ABCDE, ये 5 कंपनी है। 5 कंपनी के अलग अलग यहाँ पे ग्राफ दे रखे, डाटा दे रखा है उत्पादन और मांग का, ठीक है। उत्पादन का ग्राफ ये वाला है और मांग का ये वाला है जिसमें लाइनें हैं, ठीक है। तो ये 5 कंपनी का, अलग अलग 5 कंपनियों का डाटा दे रखा है, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आप इन्होंने बताया 5 कंपनियों ABCDE तथा ई द्वारा अक्टूबर 2006 में रंगीन टीवी सेटों की मांग और उत्पादन यहाँ पे इस ग्राफ में दिया गया। पहला क्वेश्चन है, कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग के कितने प्रतिशत है, यानी कि कंपनी बी की जो मांग है वो कंपनी सी की मांग का कितना प्रतिशत है। तो कंपनी बी की मांग कितनी है, देखिए मांग वाला आपका ये है, ठीक है, यानी कि डिमांड और उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, ठीक है। तो मांग वाला इसका बी का हो जाएगा 600 और आपका सी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500। तो यहाँ पे पूछा बी की मांग सी की मांग का कितना प्रतिशत है, तो सीधा सीधा हम कैसे निकालेंगे, 600 अपॉन में 2500 और इंटू कर देंगे 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे मैंने कर रखा है पहले से, 600 डिवाइड बाई 2500 और गुना कर देंगे 100 से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 600 को 25 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार, तो 24% हो जाएगा, यानी कि बी जो है वो सी का उत्पादन का 24% है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो कंपनी बी की मांग, सॉरी मांग उत्पादन नहीं, मांग है, ठीक है, कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग के कितना प्रतिशत है, 24% है। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 5 कंपनियों को एक साथ लेने पर उनकी औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर कितना है। तो औसत आपको निकालना आता है, तो उत्पादन का अलग औसत निकाल लीजिए और मांग का अलग औसत निकाल लीजिए, ठीक है। तो 5 कंपनी का अलग अलग से हम उत्पादन का और मांग का औसत निकालेंगे, तो मांग का निकालने के लिए सबका आपको प्लस करना है, जैसे 3000, ठीक है, 600 और 2500 और 1200 और 3300, ये सभी को प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मांग का औसत आ जाएगा, ठीक है। उत्पादन का औसत कैसे निकालेंगे, 1500 1800 1000 2700 और 2200, इन सभी को प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे, जो कि मैंने पहले से कर रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए औसत आपको सभी को पता है कैसे निकलता है, सभी को हम औसत मांग का आपको सबसे पहले निकालना है, ठीक है। तो औसत निकालना है आपको मांग का, ठीक है। तो 3600 और ये सभी को प्लस करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, सभी को प्लस करेंगे 10600 और 5 से भाग कर देंगे तो 2120 आ जाएगा आपका औसत, किसका, मांग का। तो उत्पादन का औसत कैसे निकालेंगे, सभी को प्लस करेंगे, जितने भी उत्पादन मैंने आपको बताया था ऊपर, 1500 1800 1000 2700 और 2200 को प्लस करेंगे और 5 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 1840 आ जाएगा। तो अंतर इनका पूछा है, तो अंतर कितना हो जाएगा भाई, 2120 में से 1840 को माइनस कर दीजिए, इनके बीच का अंतर आ जाएगा 280, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 280। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरा भी आपका हो गया, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे हार्ड बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपका कुछ भी डायग्राम दे दिया जाएगा, ठीक है, कोई आपका सर्किल दे दिया जाएगा, उसमें आपको 60 डिग्री से पहले जो मैंने कराया था 60 डिग्री या परसेंटेज में कोई वैल्यूज दे दी जाएगी और उनमें कंपेरिजन करने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं, इसमें कंपनी ABC तथा कंपनी DE के औसत उत्पादनों का परस्पर अनुपात क्या होगा, यानी कि जो ABC का अलग आपको निकालना है औसत और DE का अलग निकालना है, किसका, उत्पादनों का, तो इनका बीच का रेशो हमारा निकल जाएगा। तो देखते हैं कितना होगा,
तो दोस्तों ए बी सी का उत्पादन कितना हो जाएगा, देखें यहाँ पे 1500, ठीक है, और बी का हो जाएगा 1800 और सी का हो जाएगा आपका 1000। इन तीनों को प्लस करिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। फिर यहाँ पे डी और ई का अलग निकालना है, 2700 और 2200, इन दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी इनका रेशियो आएगा वो निकल के आ जाएगा, देखिए कहाँ, जैसे मैंने पहले से कर रखा है। तो देखिए इनको आपको सीधा सीधा करना है, 1500, 1800, 1000 को एक तरफ प्लस करके 3 से डिवाइड, और एक तरफ 2700 और 2200 को प्लस करके 2 से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4300, और यहाँ पे आ जाएगा 4900, और यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा। या तो इनका एलसीएम लेके कर लीजिए, या फिर 3 का इधर मल्टीप्लाई और 2 का इधर मल्टीप्लाई करके भी आप इसको कर सकते हैं, बात वही है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 43 की 2 में करिए 86, और 49 की 3 में करिए 147, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा 86 और 147, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इस डीआई के क्वेश्चन का, उत्पादन से अधिक मांग तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का परस्पर अनुपात बताना है, यानी कि कितनी कंपनी उत्पादन से अधिक मांग है जिनकी कंपनी का, वो अलग से बताना है आपको, जिनका उत्पादन अधिक होता है और मांग कम होती है, और उस दूसरी तरफ आपको रेशो में बताना है जिसकी मांग अधिक होती है उत्पादन कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं उत्पादन से अधिक मांग कितने में है और मांग से अधिक उत्पादन किस में है। तो उत्पादन से अधिक मांग देखें यहाँ पे, उत्पादन आपका 1500 और ये 3000, ठीक है। तो एक हो गया आपका ये उत्पादन से अधिक मांग, फिर आपका दूसरा ये हो जाएगा उत्पादन से अधिक मांग, फिर आपका तीसरा ये हो जाएगा उत्पादन से अधिक मांग, यानी कि 3 तो आपके ऐसे हैं जिसमें उत्पादन से अधिक मांग है, तो बचे 2 ये वाले इसमें मांग से अधिक उत्पादन है, तो इनके बीच में ही रेशो बताना था। तो आपके 5 कंपनियों में से 3 कंपनियां ऐसी है जिनकी उत्पादन में उत्पादन ज़्यादा है, ठीक है, और आपकी मांग ज़्यादा है और उत्पादन कम है, और जो आपकी 2 कंपनी है उसमें मांग कम है और उत्पादन ज़्यादा है, तो 3:2 का रेशो बन जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3:2, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, 3:2 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दी गई आकृति में आर ओ क्यू वृत्त का व्यास है, ठीक है, यानी कि आपका आर ओ क्यू ये वृत्त का व्यास है। यदि कोण पी ओ आर, कोण आपका पी ओ आर ये वाला आपका हो गया 130 डिग्री, और आपका यहाँ पे बताया गया है एंगल क्यू पी ओ का मान क्या होगा, ठीक है, क्यू पी ओ का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा कितना होगा, आधा आपका है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री में से 130 माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ नीचे अच्छे से, तो हमारे पास क्यू ओ पी आ जाएगा निकल के, जब 180 में से 130 डिग्री माइनस कर देंगे तो बचेगा 50 डिग्री, तो क्यू ओ पी आपके पास आ गया है निकल के, ठीक है। क्यू ओ पी आपके पास कितना आ गया, 50 डिग्री। अगर मैं 180 डिग्री में से ये 50 डिग्री और ये आपका जो है आपका ये वाला ये 90 डिग्री है, ठीक है, पी क्यू ओ जो है आपका ये आपका 90 डिग्री है। अगर मैं 50 और 90 को 180 में से माइनस कर दूं तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंगल क्यू पी ओ आपको निकालना है, तो 180 में से 50 जो आपका ये है और 90 आपको पता है जो हमारा ऊपर वाला बन रहा था, ठीक है, पी क्यू ओ, वो हम माइनस कर देंगे तो आपका 40 डिग्री बचेगा क्यू पी ओ का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्यू पी ओ आपको निकालना था, तो आपने इसमें से 50 डिग्री और ये 90 डिग्री का माइनस कर दिया, तो आपका सीधा सीधा क्यू पी आपका निकल के आ जाएगा, क्यू पी ओ, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और शामिल हो जाए तो अब उनकी औसत आयु होगी। ये रेलवे परीक्षा में पहले कई बार आ चुका है और आगे भी आ सकता है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, बहुत ही आसान है। मैं ट्रिक से भी बताऊंगा और इसको अपना बेसिक जो मेथड है उससे भी करेंगे। यहाँ पे 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष दे रखी है, तो टोटल एज ऑफ 15 बॉयज कितनी हो जाएगी, 15 लड़कों की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 11 कर देंगे 165,
ठीक है। अब पांच लड़के और ऐड हुए हैं उसमें, पांच लड़के नए आए हैं और उनकी एज कितनी है, 9 ईयर। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे दोबारा से। यदि 9 ईयर के पांच लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाए तो अब उनकी औसत आयु कितनी होगी। तो आप इसको क्या करेंगे, पांच लड़कों की यानी कि एक लड़का 9 ईयर का है तो पांच कितने हो जाएंगे, 45 के, तो इनके भी हम प्लस कर लेंगे तो 165 और 45 कितना हो जाएगा, 210 यानी कि 210 आपकी ये टोटल एज हो जाएगी। कितने बच्चों की, 20 की, 15 की तो ये थी और पांच ये नए आए हैं इनकी, तो 210 हो जाएगी। तो औसत एज निकालनी होती है तो 210 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि पहले 15 थे अब ये 20 बच्चे हो गए, तो कितना आ गया आपका, 10.5 वर्ष, ये आ गया आपका राइट आंसर। अब आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, ट्रिक इसकी ये है कि यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। पहले जो पांच बच्चे नए आए हैं, ठीक है, पांच बच्चे नए आए हैं वो कितनी एज लेकर है, 9 ईयर, यानी कि हर एक बच्चा 9-9 साल का है। अगर वो 11 साल का होता तो एवरेज डिक्रीज होता, नहीं होता क्योंकि सभी की यहाँ पे 11-11 एज है, 15 साल, 15 बच्चों की 11-11 वर्ष एज है। ठीक है, अगर ये पाँच बच्चे नए आते और उनकी भी 11-11 होती तो एवरेज चेंज नहीं होता, क्योंकि एवरेज चेंज कब होता है, जब बच्चे या तो एज कम लेकर आए या ज़्यादा लेकर आए। तो 11 से कितनी कम लेकर आए हैं, ये 2 ईयर कम लेकर आए हैं। ठीक है, तो इनके कम लाने से औसत में कमी आई होगी, तो कितना कम लेके आए ये देख लेते हैं। टोटल पहले इन्हें लेके आनी थी कितनी, अगर ये 11 के हिसाब से लेके आते इनको 55 ईयर अपने साथ में लेके आना था। ठीक है, एक क्वेश्चन को समझने के हिसाब से देखिएगा कि हर एक बच्चे को 11-11 वर्ष एज का होना चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर हमें चेंज नहीं करना था, बट ये कितना लेके आए, 9-9, तो 45 भी लेके आए, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 10, यानी कि सारे बच्चे 10 साल कम एज लेके आए हैं, जितनी इन्हें लेके आनी थी उससे 10 साल कम लेके आए हैं। तो ये 10 साल हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पूरे 20 बच्चों में, क्योंकि 15 पहले थे, 5 ये है, तो 20 में करेंगे 0.5, यानी कि ये जो नए बच्चे आए हैं इन्होंने जो अपनी एज की पूर्ति की है कहाँ से लेके की होगी, जो ऑलरेडी बच्चे थे। ठीक है, तो 0.5 की कमी कर दीजिए 11 में से, तो अभी भी राइट आंसर आपका 10.5 ही आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। अगर ये नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ऊपर वाला भी अच्छा है, उस मेथड से भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 36 संतरों को बेचकर एक विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है, उसके नुकसान का प्रतिशत है, यानी कि प्रतिशत आपको निकालना है। ग्रुप डी में भी आ चुका है ये और आपका 2013-2016 में आ चुका है। तो कैसे करना है भाई, 36 संतरों को बेचकर एक विक्रेता को 4 संतरों का विक्रय मूल्य के नुकसान होता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे उसने 36 संतरे नहीं बेचे हैं, उसने 40 संतरे बेचे हैं, 40 बेचने पर उसे 4 का नुकसान हो गया और 36 यानी कि उसके बिके हैं। ठीक है, यानी कि अगर टोटल संतरे उसने 40 बेचे, उसमें से 4 उसने अपने लॉस के काट लिए, यानी कि 4 संतरों का उसको लॉस हो गया, उसने ये मान लिया कि इतने कम प्राइस पर बिके हैं, तो उसका लॉस परसेंटेज आपको निकालना है, उसका नुकसान का प्रतिशत कितना होगा। तो हानि प्रतिशत जब भी निकालते हैं, वाई अपॉन यानी कि जितने का भी लॉस हुआ है 4 का, और एक्स प्लस यानी कि जो आपकी अमाउंट है वो कर लेते हैं प्लस। ठीक है, और इनटू 100 कर देते हैं। वैसे इसको आप बिल्कुल भी याद मत करिए, फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको जस्ट समझाऊंगा। 4 का लॉस हुआ, लॉस किस पे होता है भाई, जितनी उसने बेची सब पे लॉस हुआ ना। अगर उसे उसने खुद एक एनालाइज किया कि मेरा 4 संतरों का लॉस हो गया, तो 36 + 4 यानी कि 40 संतरे उसने बेचे, 4 का लॉस हो गया, यानी कि उसका 40 बेके तो 40 है ना, तो इनटू करेंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, तो 4 upon 40 और इनटू करेंगे 100 से। ठीक है, तो इसको कट करेंगे, कितना हो जाएगा, 40 upon 4, तो 10% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, कई बार बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं, 4 upon 36 और इनटू 100 करके क्वेश्चन को कर देते हैं और वो ऑप्शन में भी आपको आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको, जब भी इस तरीके से लॉस होता है तो उस लॉस को भी ऐड करते हैं। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि लॉस के टाइम पे नीचे बड़े वाली अमाउंट आती है। अगर उसने उसे 4 संतरों का लॉस हुआ है, यानी कि उसने 36 बेच दिए, सॉरी 4 का उसको लॉस हुआ है, इसका मतलब उसने 40 बेचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके 36 के इक्वल वे 40 बिके हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यदि धनराशि
कितने यह धनराशि कितने वर्ष में आठ गुनी हो जाएगी। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। एक तो इसमें फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले बताया था, तो उसको मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे क्योंकि उस वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है और उससे मतलब आप भूल जाते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ ट्रिक बताइए इसकी, तो हम फॉर्मूले को यहाँ पे हटा ही देते हैं। इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जब बोला जाए चक्रवर्ती ब्याज, ध्यान दे दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि पाँच वर्षों में दोगुनी हो जाती है या धनराशि कितने वर्षों में आठ गुनी होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, पाँच वर्षों में दोगुनी हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब हर पाँच वर्ष में दोगुनी होती चली जाएगी। तो ये पाँच वर्षों में दोगुनी, तो पाँच वर्ष आपने बढ़ाया फिर दोगुनी हो जाएगी, तो दो का गुना दोगुनी कब होगी, जब चार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पाँच वर्ष बढ़ाइए तो चार से डबल कब होगी, तो यहाँ पे आपको दो दो की मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आठ गुना हो गई। तो कितने वर्ष में हुई, पाँच पाँच पाँच, यानी कि पंद्रह वर्ष में यह आठ गुना हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ इसके साथ में, कि पाँच वर्ष में तीन गुना हो जाती, ठीक है, तो पाँच वर्ष में आप क्या लिखते यहाँ पे, थ्री लिखते, ठीक है। फिर नेक्स्ट फाइव वर्ष में आप क्या करते, तीन गुना करते, तो तीन इसका तीन गुना कितना होगा, तीन तिया नौ, तो यहाँ पे होगा इसका नाइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट फाइव वर्ष में कितना होगा, नाइन का तीन गुना कितना होगा, नौ, नौ दिन अठारह, नौ तिया सत्ताईस, तो यहाँ पे आप सत्ताईस लिखेंगे। तो आपका सत्ताईस गुना अगर पूछा था कि सत्ताईस गुना कितने वर्ष में होगी, तो वो पंद्रह वर्ष में होती अगर तीन गुना चलती, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज भी आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे चार गुना होती पाँच वर्ष में, तो चार चार करते चले जाते, ठीक है ना, चार गुना फिर यहाँ पे हो जाती, सॉरी चार चौक सोलह, ये गलती मत करना। तो इसी तरीके से आपको डबल ट्रिपल चार गुना पाँच गुना जितना भी बोला जाए आप इजिली करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों एक ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, मैं यहाँ पे दोनों ही तरीके बताऊंगा इसमें, सिंपल इंटरेस्ट वाला निकालना भी और चक्रवर्ती यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना भी, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी रकम पर 5% की दर से दो वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 328 है, उसी रकम पर उसी ब्याज दर से तथा समय समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पे एक बार और पढ़ देते हैं, 5% आपका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और दो वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पे दे रखा 328, उसी रकम पर यानी कि जिस रकम पे 328 आपको मिला है उसी रकम पर उसी ब्याज दर से यानी कि 5% की ही दर से तथा समान समय यानी कि दो वर्ष का ही साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है, ये वाली ट्रिक, ठीक है, टू ईयर के लिए एक ट्रिक है, सी आई और अपॉन में एस आई, ठीक है, सी आई अपॉन में एस आई, सीआई के सामने आपको आर प्लस 200 लिखना है और सीआई के आगे और एसआई के आगे आपको क्या लिखना है, 200 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एसआई निकालना है, तो एसआई को तो वैसे ही छोड़ देंगे, सीआई आपको दे रखा 328 लिख देंगे और रेट आपको 5% दे रखा है, तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, तीन चीजें आपको दे रखी थी वो आपने लिख दी, सॉरी दो चीज़ें लिख दे रखी थी वो लिख दी, तीसरी चीज़ आप यहाँ पे निकाल लेंगे ऐसा यानी कि, ठीक है। तो आप इसकी कर लीजिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 328 328 गुना 200 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 205 हो जाएगा, ठीक है। तो 205 इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 से ये जाएगा कितनी बार, 41 टाइम, और ये जाएगा 40 टाइम, तो आपका ये 41 से जाएगा 328 8 टाइम, तो 8 की 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ऐसा ही आपका 320 इज द राइट आंसर। तो ऐसा ही आपको निकालना आ गया। अगर इस तरीके से दिया जाता है किसी क्वेश्चन में कि यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज का जो है वो इतना दे रखा है और 5% की दर से दो वर्ष में, तो आप दो वर्ष का अब सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, वही ब्याज दर है वही समय है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से पूछा जाता है आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जब चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना पड़ता है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। किसी धन का दो वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज, अब की बार साधारण ब्याज दे रखा, ध्यान दीजिएगा 90 रुपये होता है, तो उसी का चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने रुपए होंगे। तो यहाँ पे आपको कितने रुपए होंगे ये आपको बताना है चक्रवर्ती ब्याज की दर से उसी धन के, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल वही आपको फॉर्मूला यूज करना है, अब की बार सीआई को वैसे का वैसे रखेंगे, एसआई आपको 90 दे रखा तो 90 रख लेंगे, रेट आपका 10 दे रखा है, तो यहाँ पे आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता दिया करें, ठीक है। तो एसआई आपको निकालना है, एसआई बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो आपका हो जाएगा 210 × 90 और नीचे हो जाएगा आपका 200, तो यहाँ से आप कट करेंगे, 20 से 20 कट जाएगी और 21 की 9 में करेंगे 189 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 94.5 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे से डिमांड की थी, तो अभी मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आ गया हूँ, CBT ऑनलाइन टेस्ट। अभी आपका एग्जाम अगर किसी का 17 सितंबर को भी है, तो आपको 30 टेस्ट लगाने हैं, कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपका आगे है चल के, अभी टाइम है आपके पास, तो आप तो डेफिनेटली इस 30 टेस्ट सीरीज को खरीद लीजिए। ये 149 की है, सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज है पूरी यूट्यूब पर, पूरे नेट पर, जहाँ पर भी आपने देखा होगा 400-500 तक की टेस्ट सीरीज बिक रही थी, और कम से कम आपकी 399 तक की तो टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, ठीक है, ये मेरी टेस्ट सीरीज नहीं है, मैं इसका कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, बस अपने स्टूडेंट जितने भी है टॉपिक स्टडी फैमिली के, उनको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताना, इसलिए मैं इस वीडियो के एंड में बता रहा हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल है, 20% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, यानी कि आपको 120 रुपीज़ में ये मिल जाएगी, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज को 120 रुपीज़ में मिल जाएगी, तो इसको ज़रूर ले लीजिए। जितनी आपने मेहनत करी है उसको लगा करके देखिए अपने पेपर से पहले, अपने एग्जाम से पहले, कि मैं कितना कर पाता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार देखिए, मैं बता रहा हूँ, जितनी भी मेहनत कर लो, जब तक खुद को एनालाइज नहीं करोगे और एग्जाम में डायरेक्ट जाके बैठ जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको नर्वस भी हो जाओगे, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब CBT एग्जाम देते हैं, तो एकदम से लैपटॉप या डेस्कटॉप पर आप बैठते हैं, तो वहाँ पर सब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। इस टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, और आप इसे मोबाइल में, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप में कहीं पर भी दे सकते हैं। बहुत ही आसान है खरीदना, बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो त्रिभुज का निशान होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, लिंक पे जाकर के क्लिक करना है, पेमेंट करना है, और अपना टेस्ट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और ये मेरा कोई भी, इसमें मेरी खुद की टेस्ट सीरीज नहीं है, अगर मेरी खुद की टेस्ट सीरीज होती तो मैं और भी प्राइस कम करा सकता था इसके, बट ये मेरी नहीं है, इसलिए मैंने इस पर बस 20% तक ही कम हो पाए हैं, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है तो एक नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप मुझसे चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कंपनी का नंबर भी आपको मिल जाएगा, जब आप इसको खोलेंगे लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कंपनी का नंबर भी मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।